अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू व्लॉग बाय हमना। तो होप आप लोग सब सही होंगे। तो रमज़ान आने वाली है, रमज़ान में बिल्कुल ही आई थिंक 1 वीक ऑलमोस्ट रह गया है। तो मैंने सोचा कि कुछ रमज़ान से रिलेटेड आपके साइड रेसिपीज़ शेयर करनी चाहिए। तो रमज़ान में भी बहुत दिल चाहता है कोई स्पाइसी फूड्स खाने का, स्पाइसी फ्राई आइटम खाने का। तो मैं इसलिए यहाँ पे कुछ स्पाइसी लेकर आई हूँ। इतना स्पाइसी भी ना हो लेकिन खट्टा ज़रूर हो, ठीक है। तो मैं यहाँ लेकर आई हूँ मिर्चें। ये मिर्चें वो वाले हैं जो बड़े मिर्चें आते हैं, जो मोटे होते हैं, जो बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं होते। तो मैंने इसे कट कर लिए, ठीक है। इधर है बेसन, बेसन का आटा, ठीक है, 1.5 चम्मच। नमक हसबे ज़ायका है, जितना आपके घर में खाया जाता हो। तेज़ खा सकते हैं, नमक तो आप ज़्यादा डाल लें, इट्स डिपेंड ऑन यू। और इधर है खटाई पाउडर, ठीक है, खटाई पाउडर है 1.5 चम्मच। और इधर मैंने एक लिया है, एक टमाटर कट किया है बड़ा वाला, ठीक है। और अब मैं इसको बताती हूँ कि किस तरह हमें ये बनाना है। तो मैं बेसन को इसमें ऐड करती हूँ, ठीक है, और ये करते हुए आपको बताती हूँ। ऐड करके अच्छी तरह इसको मिक्स करूँगी मिर्चों में और फिर मैं इसके आगे का प्रोसेस आपको शेयर करती हूँ। सो गाइज़, ये मैंने ऐड कर दिया है बेसन, ठीक है, अच्छी तरह। और थोड़ा सा बेसन मेरे काउंटर पे भी गिर चुका है और मुझे साफ़ करना पड़ेगा, वरना मम्मा देखेंगी तो डांटेंगी कि तुम जब भी किचन में कोई रेसिपी की बताने जाती हो पूरा किचन गंदा करके निकलती हो, चीज़ें गिरा देती हो। तो खैर है, ये मैं साफ़ करती हूँ, इसके बाद मैं आपको आगे का पूरा प्रोसेस समझाती हूँ कि अब मैं आगे किस तरह बनाने हैं। सो गाइज़, ये मैंने ऑयल 3 टेबल स्पून अपने फ्राई पैन में डाल दिया है, ठीक है। अब ये जिस तरह ऑयल हीट होगा इसके बाद मैं ये मिर्चें डाल दूँगी। लेकिन सबसे पहले जब मिर्चें डालें बहुत एहतियात से डालें, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं मिर्चों के वो बहुत हार्श होते हैं। अगर वो आपके आई वगैरह में चले गए तेल के साथ तो बहुत मसले होते हैं। तो पूरा केयरफुली आप यूज़ कीजिएगा। सो ये मैं ये डाल रही हूँ, इसकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन थोड़ा सा आप एहतियात से डालिएगा। मैं भी एहतियात से डाली और उसके बाद इसको आपने अच्छी तरह फ्राई करना है, ठीक है। इसको आपने बिल्कुल भी अच्छी तरह फ्राई करना है। अगर आपको लग रहा है ऑयल कम है, ऑयल नहीं है ज़्यादा, तो आप थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल 1 चम्मच का, ठीक है। इसकी खुशबू आपको ऐसी लगेगी अगर आप बेसन से सीरा वगैरह बनाते हैं या कुछ, तो उसकी खुशबू इस तरह निकलेगी। ये बहुत ही प्यारी सी खुशबू होती है, ठीक है। आप थोड़ा फ्राई करें, इसके बाद टमाटर ऐड कीजिएगा। तो यहाँ मुझे थोड़ा सा ऑयल कम लग रहा था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, ठीक है। अब मैं इसमें टमाटर डाल दूँ ताकि फिर थोड़ा इसका सेट रहे, ठीक है। और अब टमाटर को हम इसके साथ ही फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छी तरह फ्राई हो जाए। और थोड़ा सा अपने आप को कैच भी रखिएगा, जो इसके पार्टिकल जो बहुत ज़्यादा उड़ रहे हैं, तो ठीक है। मैं यहाँ पे खटाई पाउडर नमक ऐड कर दिया, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पार्टिकल जो उड़ रहे थे हाथों के, तो मैंने जल्दी जल्दी ऐड कर दिया। तो वीडियो मुझे सीखते चल रही है, यहाँ पर जल्दी ऐड कीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल लाइट लाइट फ्लेम पर आप दीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल लाइट लाइट फ्लेम पर। और उसको हल्का सा हम वाटर डालेंगे ताकि ये सेट हो जाए। तो यहाँ मैं हल्का सा पानी डाली हूँ, ये देखें। तो ये मुझे यहाँ पे नमक थोड़ा सा कम लग रहा था, मैंने थोड़ा सा नमक और ऐड कर लिया है, ठीक है, ताकि सख्त हो जाए, ठीक है। खट्टे भी होते हैं, तीखे भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, फिर नमक भी तेज़ होता है, सब मैं डालती हूँ। तो गाइस, ये मेरे मिर्चें यहाँ पे फुल रेडी हो गए हैं, लेकिन मुझे और इसको थोड़ा खट्टा करना है। तो मैंने यहाँ सोचा कि एक नींबू भी डाल देना चाहिए, ठीक है। तो मैंने एक नींबू लेके इसको बिल्कुल निचोड़ दिया है। अगर आपको ज़्यादा खट्टा चाहिए तो आप दूसरा भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये फाइनल लुक मिर्चों का, ठीक है। सही, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और आगे भी मेरे चैनल को शेयर करें ताकि मुझे भी हौसला हो कि आप लोग मेरी रेसिपीज़, वीडियोज़ जो भी मैं डाल रही हूँ सब लाइक करते हैं। और कमेंट्स भी कीजिए ताकि मुझे भी हौसला हो कि आप लोग मेरी वीडियो को और अच्छी तरह देखते हैं और समझते हैं, ठीक है।